सर देखा जाए बैजनाथपुर मनोहर उच्च विद्यालय सहरसा में क्वारंटीन सेंटर में किस तरह का खाना दिया जाता है देखा जाए। सूखा चूरा मिर्ची, सूखा चूरा नमक और मिर्च। टप का ढक्कन हटाइए ना, इसका फोटोग्राफी होगा, हटाइए हटाइए ना, पूरा हटाइए ना, उसको देखिए देखिए, इसमें देखिए क्या सामग्री है खाने के लिए, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत फोकस। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, दरअसल इसको बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी ने जारी किया है। तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है कि कैसे जो लोग हैं उनके हाथ में एक प्लेट है और उस प्लेट में सिर्फ सूखा हुआ चिवड़ा और एक हरी मिर्च दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों के हवाले से आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोल रही है, ये जता रही है और ये बता रही है कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटर्स में किस तरीके के हालात हैं। तस्वीरें वायरल हैं और आरजेडी के द्वारा जारी की गई हैं। हालांकि भारत फोकस इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता। आरजेडी के द्वारा जारी इस तस्वीरों को बताया जा रहा है कि ये सहरसा के क्वारंटाइन सेंटर की हैं, लेकिन सहरसा का प्रशासन भी इस बात की पुष्टि नहीं करता। सुनिए सहरसा के डीएम क्या कहते हैं। अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, वो मैं संज्ञान में आया है, वो मनोहर उच्च विद्यालय मैदानपुर का जो क्वारंटाइन सेंटर के रूप में है। इस वायरल वीडियो की जांच अभी वीडियो सीओ से कराई गई है। जांच के क्रम में पता चला कि कल रात जो दिल्ली से ट्रेन आई थी 12 बजे पहुंची थी स्टेशन पे, उसमें 100 बजे के भी श्रमिक थे। उनको व्हीकल को शाम से 3 बजे रवाना किया था, सुबह 4:30 में वहाँ पे पहुंचे हैं वो लोग। उनकी एंट्री की कार्रवाई चल रही थी। जो वीडियो दिख रहा है वो क्वारंटाइन सेंटर के जस्ट बाहर का वीडियो है। श्रमिक वहाँ पे बस से आए हैं, वहाँ पे अपने एंट्री का इंतजार कर रहे थे। आज का जो मेनू सर्व हुआ है सुबह में उस सेंटर पे, वो मेनू के अनुसार चूड़ा, आलू मटर का घुगनी और चाय सर्व हुआ है। वहाँ पे 292 लोग अभी रह रहे हैं और सभी के पास डिग्निटी किट दिया गया है, जिसमें स्टील प्लेट दिया गया। तो भी खाना सर्व होता है, नाश्ता या खाना वो स्टील प्लेट में सर्व होता है। वीडियो में सर्व किया दिखाया जा रहा है वो थर्मोकोल का प्लेट है। श्रमिक अभी एंट्री की कार्रवाई उनकी चल रही थी और जो किसी के बांटने के जो वीडियो दिख रहा है, जो वितरण कर रहा है सूखा चूड़ा और नमक, वो कोई बाहरी व्यक्ति प्रतीत होता है। उसकी हम लोग जाँच करा रहे हैं कौन बाहरी व्यक्ति जिस तरह कार्रवाई की है। सुना आपने, सहरसा के डीएम साफ तौर से इन तस्वीरों को कहीं बाहर का बता रहे हैं, लेकिन बिहार की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी जो क्वारंटाइन सेंटर से निकल करके आई हैं। किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में खाने के लिए लड़ाई हो रही है। बिहार की एक तस्वीर और भी आपने देखी होगी कि जब ट्रेन रुकती है और एक शख्स खाना लेकर के मजदूरों के लिए लेकर आता है तो उस खाने पर मजदूर टूट पड़ते हैं, मारामारी करने लगते हैं। कमोबेश पूरे देश में यही हालात हैं। मजदूर गरीब जिस तरीके से पलायन करके बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ रुख किए हैं, कई जगह पैदल चलते हुए आ रहे हैं, वो भूख से दरअसल तड़प रहे हैं, भूख से बेहाल हैं। और ये मुद्दा ज्यादा बड़ा है। शायद इसी वजह से आरजेडी इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को लगातार घेर रही है।